कई राज्यों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली में न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कानपुर में दिखा कहर, हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक से 24 घंटे में 25 लोगों की मौत। किसी की गाड़ी से हुआ हादसा, आरोपियों को बचाने का बनाया था प्लान। मेयर चुनाव की वोटिंग से पहले सदन में हंगामा, आप बीजेपी पार्षदों में हुई धक्का मुक्की। दिल्ली ही नहीं राजस्थान में भी शीतलहर का प्रकोप, बीकानेर में 0 डिग्री तापमान। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। औरैया में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया का एक वीडियो वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक सदर विधायक ने सड़क पर खुद जाकर उन बाइक सवारों को रोका जो यातायात के नियमों का उल्लंघन कर रहे थे और उन्हें बाइक चलाते हुए हेलमेट पहनने को कहा। इसके साथ ही कहा कि हर चौराहे पर ट्रैफिक पुलिस तैनात कर आप लोगों की लापरवाही बरतते हैं। बता दें कि इस वीडियो के वायरल होने के बाद विधायक की चारों तरफ सराहना हो रही है। मेरठ के थाना टीपी नगर क्षेत्र में मुल्तान नगर में एक प्रतिष्ठित प्रकाशन में काम करने वाली व्यक्ति की बेटी अचानक रात में गायब हो गई। जानकारी के मुताबिक बच्ची घर के बाहर देर रात खेल रही थी, तभी कोई शख्स बच्ची को बहला फुसला कर ले गया, जिसकी तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गई। वहीं परिजनों ने थाने में जाकर बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस बच्ची की तलाश कर रही है। लखनऊ में जल निगम एक बार फिर से सुर्खियों में दिख रही है। जानकारी के मुताबिक जल निगम में कर्मचारियों को 5 महीने से वेतन, पेंशनकर्ता को 5 महीनों से पेंशन नहीं मिली, जिससे उनको परेशानी का सामना करना पड़ा है। बता दें कि जल निगम अब संविदा पर अपने चहेते को रखने की तैयारी कर रहे हैं। बता दें कि खबर लखनऊ से है, जहां जल निगम में पेंशन व वेतन कर्ताओं को उनका पेंशन और वेतन नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे रितेश। रितेश, जल निगम में कर्मचारियों को वेतन और पेंशन नहीं मिला है, जिससे उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह के प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वहीं सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत लोक निर्माण विभाग मंत्री जितेंद्र प्रसाद ने अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए कहा कि जितेंद्र प्रसाद ने सभी अभियंताओं को निर्देश देते हुए रोड सेफ्टी ब्लैक स्पॉट के सुधारीकरण के निर्देश दिए। साथ ही राज्य मार्गो, प्रमुख जल मार्गो से निकलने वाले ग्रामीण मार्ग जिनका लेवल मुख्य मार्ग से काफी नीचे है, उसके भी सुधारीकरण करने पर विशेष ध्यान देने को कहा। साथ ही मार्गो के कैरियर जुमा पर आने वाले इलेक्ट्रिक पोल एवं पेड़ों को हटाने की कार्यवाही तत्काल प्राथमिकता से कराई जाए। और मंत्री जितिन प्रसाद ने यह भी कहा कि प्रमुख मार्गों पर अवैध कटान को बंद कराए जाने के लिए जिला प्रशासन एवं पुलिस के सहयोग द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जाए। प्रसाद जी, एक सवाल था जितिन प्रसाद जी, नहीं जितिन प्रसाद जी सड़क सुरक्षा से ही जुड़ा एक सवाल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल मुंबई गए थे, 5 लाख करोड़ का निवेश के एमओयू साइन हुए, आप देख सकते हैं। और पूरा जो अभियान माननीय मुख्यमंत्री ने छेड़ा, जिसके तहत उत्तर प्रदेश को एक नई दिशा और हम सबको पूरे मंत्रिमंडल और अधिकारी और प्रदेश के सभी लोग विदेश भर में भी गए, उत्तर प्रदेश का डंका विश्व भर में बज रहा है। और आपने देखा कि कल माननीय मुख्यमंत्री जी का
देवरिया में आज सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया गया। इस दौरान डीएम ने सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली को रवाना किया। जानकारी के मुताबिक सड़क सुरक्षा माह 5 जनवरी से 4 फरवरी तक मनाया जाएगा, जिसमें सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। वहीं डीएम ने कहा कि मार्ग में सड़क दुर्घटना में घायल कोई व्यक्ति दिखे तो उसकी सूचना तत्काल 112 नंबर पर या क्षेत्र के संबंधित किसी भी जिम्मेदार अधिकारी को दे, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। साथ ही ये भी कहा कि तेज गति से वाहन न चलाएं, गलत तरीके से ओवरटेक न करें। हमें घटाना है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी लक्ष्य दिया है कि 50% से भी कम रह जाए, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। इसी क्रम में शिक्षा विभाग के लोगों के द्वारा, स्वास्थ्य, पुलिस प्रशासन, लोक निर्माण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से एक कार्यक्रम किया गया है। लोगों को हमें अवेयर करना है कि उनकी जान कीमती है। जो समाज का सबसे उत्पादक वर्ग होता है, जो भ्रमणशील होता है, जो रोजगार के सिलसिले में जाता है, वो प्रभावित होता है। और अभी हमने हाल में देखा है कि कई अनफॉर्चुनेट दुर्घटनाएं शराब पीने की वजह से या अन्य कारणों से हुई। कानपुर में लगातार ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। बता दें कि ठंडक बढ़ने से 22 लोगों की हार्ट अटैक से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एलपीएस हृदय रोग संस्थान ने मौतों का ये आंकड़ा जारी किया है। हार्ट अटैक से पीड़ित 41 लोग कार्डियोलॉजी में भर्ती कराए गए थे। वर्तमान में हृदय रोग संस्थान में कुल 723 हृदय रोगियों का इलाज चल रहा है। वहीं डॉक्टरों का कहना है कि हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के जो रोगी आ रहे हैं, उनका ब्लड प्रेशर अनियंत्रित हो गया था। में जो खून की नसें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं और गर्मी में फैल जाती हैं। ये आपने देखा होगा कि किसी के अगर हाथ को गुनगुने पानी में डुबाया जाए तो हाथ दिखने में लाल लाल दिखने लगता है, क्योंकि नसें फूल जाती हैं। उसके विपरीत सर्दी में नसें सिकुड़ जाती हैं। तो जिन लोगों के पेशेंट्स के आर्टरीज में रुकावट है किसी प्रकार की 30-40-50% की, तो वो जब सिकुड़ेगी नस तो रुकावट और ज़्यादा। बुलंदशहर में ठंड ने पिछले 8 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। बता दें कि आज की सुबह न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। इसके पहले 2015 में 5 जनवरी को न्यूनतम तापमान 3.5 डिग्री सेल्सियस पहुंचा था। वहीं रात में पाला तो सुबह से ही शीतलहर जारी रही। इसके साथ ही लगातार तापमान में आ रही गिरावट से किसानों की भी परेशानी बढ़ती जा रही है। किसानों का कहना है कि अगर आगे भी पाला पड़ा तो आलू में झुलसा रोग शुरू हो सकता है। सरसों, मटर समेत सब्जी की अन्य फसलों को भी प्रभावित हो सकती है। संभल में सदर कोतवाली क्षेत्र के गंवा रोड के पास जान जोखिम में डालकर लोग कर दिखते रहे। बता दें कि स्टंटबाजों ने यातायात माह की जमकर धज्जियां उड़ाई। इतना ही नहीं, पुलिस चौकी के सामने से बुलडोजर पर बैठकर मजदूर जाते हुए दिखाई दिए, जिसे ट्रैफिक पुलिस ने पीछा करके बुलडोजर को पकड़ा और 15,500 का चालान कर दिया। चार आदमी बैठा के खतरनाक तरीके से चोरी सराय से ले जा रहा था गांव साइड में, और जब उसको रोकने का था तो उसने गाड़ी भगा दी। फिर उसको आगे जाके रोका गया, उसको चलान किया गया, उसका 15,500 रुपये का। उसको समझाया गया कि इस तरह अब आगे व्यक्ति ना बैठाए वरना एक्सीडेंट होने की संभावना बनी रहती है। यही संभल में टर्बोटेक फैक्ट्री लिमिटेड कंपनी जल निगम का काम। कहाँ से लेकर के जा रहे थे अभी तुम्हें? जैसी वेयरहाउस पर आई थी, यहाँ पर वेयरहाउस पर आ रही थी लेबर। तो इसमें जो लोग तुमने बैठा रखे थे वो टैक्स में थे, तो जो बैठ गए थे यहाँ पे लेबर वाले थे, ट्रैक्टर यहाँ थे ना सर। आपने अपने अधिकारियों को जानकारी दी चलने हम के ऐसे बैठा के ला रहे हैं? नहीं, उन्हें अपना भी आ रहे हैं सर। मैनपुरी में कुरावली तहसील ने IGRS की रैंकिंग में बाजी मारी। सबसे अधिक अंक लाकर कुरावली का नाम रोशन कर दिया है। बता दें कि मैनपुरी जिलाधिकारी ने कुरावली उपजिलाधिकारी युगांत त्रिपाठी को बधाई दी। तो वहीं जनता का कहना है कि उपजिलाधिकारी युवा होने के साथ कठिन परिश्रमी भी हैं। इसके साथ ही उपजिलाधिकारी ने कहा कि बस मैंने तो अपना कर्तव्य निभाया है। तो आइए सुनते हैं SDM ने क्या कुछ कहा। उत्तर प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में से एक IGRS means इंटीग्रेटेड ग्रीवांस रिड्रेसल सिस्टम, जिसके तहत जन समस्याएँ जो ऑनलाइन पोर्टल पर शिकायतें की जाती हैं उनके निस्तारण से संबंधित है, और ये हमारे शासन की प्राथमिकताओं में से एक है। जनता अपने दिन प्रतिदिन की जो भी समस्याएँ होती हैं इस पोर्टल पर शिकायत करती है, जो जिले से होते हुए तहसील स्तर पर हमारे पास आती है और जिसका निस्तारण
गुणवत्ता पूर्वक कराने का हम प्रयास करते हैं। हरदोई में कोतवाली शहर क्षेत्र के लालपालपुर कन्हेटा संदिग्ध अवस्था में एक युवा का शव पड़ोसी के घर के बाहर पड़ा मिला। इस घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई, जिसके बाद लोगों ने पूरे मामले की सूचना पुलिस को दी है। मौके पर पहुंची पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद मृतक युवक की माँ ने पड़ोस के रहने वाले युवक के ऊपर पीट पीट कर हत्या करने का आरोप लगाया है। हरदोई में पाली कस्बे में सांप्रदायिक हिंसा का तनाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब पत्थर चलने और हिंदुओं को प्रताड़ित करने का आरोप लग रहे हैं। विवाद के पीछे नगर निकाय चुनाव का करीब होना बताया जा रहा है। बता दें कि हाल ही में सांप्रदायिक तनाव के चलते दोनों समुदाय के बीच विवाद हुआ था, जिसमें एक समुदाय के लोगों ने समुदाय विशेष के लोगों पर तिरंगा यात्रा में खलल डालने का आरोप लगाया था, लेकिन पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया था। जानकारी के मुताबिक घर के बाहर कुछ पर्चे फेंके जा रहे हैं। जो पर्चे फेंके जा रहे हैं में बड़े आपत्तिजनक शब्दों में घर खाली कर यहां से पलायन करने की बात लिखी गई है। आरोप है कि बच्चों तक को विशेष समुदाय के लोग निशाना बनाने की बात कह रहे हैं। और उसके बाद में करीब दो दिन से जो है धमकी भरे मतलब पर्चे लिख के भेजे जा रहे हैं। उसमें हमारे लड़कियों को मारने की धमकी, लड़की के मतलब लड़की को अगवा करने की धमकी दी जा रही है। और पर्चे पर जो है मतलब एक जिसे सिंबल बना हुआ है उस पर, जिसे मुस्लिम में नहीं होता है वो चांद बना हुआ है और अल्लाह अकबर लिखा हुआ है पर्चे के ऊपर है। तो थाने पे एप्लीकेशन आज के लिए उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।